बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से आप हर तरह का इफेक्ट लगा सकते हैं। आप चाहे तो ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करिए, बैकग्राउंड को छोड़ दीजिए, आप चाहे तो ऑब्जेक्ट के पीछे टेक्स्ट लगाइए, सब कुछ आप डेविंची रिजॉल्व के अंदर कर सकते हैं, वो भी मैजिक मास्क के अंदर। सबसे पहले आपको क्लिप को सिलेक्ट करके कलर टैब में जाना है। यहाँ जाने के बाद देखो ऑप्शन मिल रहा है आपको एक मैजिक मास्क जो पर्सन बना हुआ है वो, इसको क्लिक करना है। अब इसके अंदर जाने के बाद भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक ऑब्जेक्ट मास्क और एक पर्सन मास्क। ऑब्जेक्ट मास्क बेसिकली आप मोबाइल कैमराज और कोई ऐसे ऑब्जेक्ट को यूज़ करने के लिए कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे पर्सन को देखने वाले हैं। पर्सन में भी आपको और फीचर्स मिलते हैं जिसके अंदर आप अलग से हेयर हैट लेग शूज़ अलग अलग तरीके से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे पर्सन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, अगर ये प्लस का साइन मिल रहा है इससे सिंपल आपको ड्रॉ करेंगे ना तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर क्वालिफायर को सिलेक्ट करना है, अगर ये ऑफ रहेगा तो आपको ऑप्शन ये नहीं मिलेगा, ड्रॉ करने वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं आएगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए मास्क यहाँ पर आया नहीं, तो इस वाले क्लिक को सिलेक्ट करेंगे तो आपको मास्क ओवरले दिखाई देगा और इससे आप उसे इन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट दोनों में से किसे सिलेक्ट करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। इतना होने के बाद अभी देखो यहाँ पर कुछ सिलेक्शन सही से अगर नहीं हुआ है तो आप उसे फिर प्लस का साइन करके कर सकते हैं, बट अभी हम नहीं करेंगे। और आपका पीसी अगर बहुत फास्ट है तो आप बेटर का ऑप्शन भी जा सकते हैं, यहाँ से आप फॉरवर्ड को तरफ ट्रैक कर सकते हैं, यहाँ से बैकवर्ड की तरफ, बट हम दोनों साइड में करेंगे तो हम सिंपल यहाँ क्लिक कर देंगे तो दोनों साइड में ये ट्रैक हो जाएगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है कैसे मूवमेंट कर रहा है इसे ये ट्रैक कर दिया। अब देखो ये पूरी तरह से सिलेक्ट हो चुका है। अब हम यहाँ तो कोई भी इफेक्ट अगर लगाना चाहे तो यहाँ पर हम लगाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट जो हमने सिलेक्ट कर रखा है उसके ऊपर ये लग रहा है, ना कि बैकग्राउंड में। अगर हम इसे चाहे बैकग्राउंड में करना चाहे तो अब फिर से यहाँ पर आएंगे मैजिक मास्क में, इन्वर्ट कर देंगे। देखिए जो ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने अभी सिलेक्शन किया था वही हमारे बैकग्राउंड में चला गया, अब हमारे ऑब्जेक्ट में कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है, सिंपल बैकग्राउंड में हो रहा है। तो ये मैजिक मास्क का बहुत बढ़िया टूल है, बहुत बढ़िया तरीके से इसे कर सकते हैं, बट अभी पूरा ट्यूटोरियल नहीं हुआ है, देख लीजिए पहले कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पे गामा आउटसाइड ये सब मैं यहाँ पे करके देख लिया, आपको पता भी है कैसे करना है। आप चाहे तो दिन को रात और रात को दिन कर सकते हैं इसका हिसाब से। अभी हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए तो हम यहाँ से कलर सब यहाँ से रिसेट कर देंगे। अब ये तो हो गया, लेकिन आपको यहाँ पे एड अल्फा आउटपुट डालना पड़ेगा तभी जाके आपका ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड सेपरेट हो पाएगा। अभी हमने इसे सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मेरा पीसी लो है इसलिए यहाँ पे दिखा नहीं रहा, नहीं तो यहाँ पे अभी तुरंत बैकग्राउंड इसका हट जाता। लेकिन देखिए एडिट में आए तो बैकग्राउंड इसका रिमूव हो चुका है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हम कलर टैब में चले जाएंगे और यहाँ से बेटर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बेटर ऑप्शन आपको पहले से दिखाई दे रहा है लेकिन बेटर पर वो नहीं था, हमने रेंडर किया था फास्टर के ऊपर। तो अब यहाँ से थोड़ा सा स्मार्ट रिफाइन करके हम इसे फिर से एक बार ट्रैक करेंगे, इससे क्या है जो बेटर तरीके से हो जाएगा। अभी ये बीटा वर्जन में इसलिए थोड़ा सा शायद दिक्कत जा सकता है, लेकिन आपका अगर एक स्टूडियो और स्टेबल वर्जन है तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। अभी हमने इसे फिर से ट्रैक कर दिया, अभी ये बढ़िया से ट्रैक होने के बाद देखिए थोड़ा रिफाइन हो चुका है, पहले से थोड़ा बेटर दिख रहा है। अब हम इन दोनों के बीच में चाहे तो टेक्स्ट लगा सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। आप टेक्स्ट कैसे लगाना है आपके ऑब्जेक्ट के पीछे, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर रेंडर इन प्लेस करेंगे तो ये जो चौपी सा प्लेबैक हो रहा है ये नहीं होगा, कोडेक यहाँ से चेंज कर लेना है और रेंडर कर देना है। इतना करने से क्या है आपका ऑब्जेक्ट काफ़ी तरीके से स्मूथ प्ले हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों जोर से लाइक करते चलिए, और वीडियो को लाइक करने के बाद सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।